ललन बाबू होमवर्क नहीं करते। पूर्णिया मिलिट्री एयरपोर्ट है, वहाँ पर सिविलियन सुविधा शुरू करने का फैसला हो चुका है। दरभंगा में मिलिट्री एयरपोर्ट था, आज दरभंगा में 9 लाख लोग उसका उपयोग करते हैं कि नहीं। ऐसा है, किसी को किसी से भी मिलने पर कहाँ कोई पाबंदी है। इस देश के लोग एक व्यक्ति से मिले हुए हैं जिन्होंने आज मन की बात की है, नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बीते 2 दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आए थे, 2 दिवसीय दौरा था। हालांकि कल उसका समापन भी हो गया है, लेकिन उसके बाद लगातार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अमित शाह पर हमलावर हैं, जिसको लेकर आज पटना से लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद ने साफ कहा है कि लगता है ललन सिंह होमवर्क सही से नहीं कर रहे हैं। पूर्णिया में पहले से मिलिट्री एयरबेस है, जिसको अब लोगों के लिए भी जल्दी खोला जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि दरभंगा में भी पहले मिलिट्री एयरबेस था, जिसको अब प्राइवेट कर दिया गया, मतलब कमर्शियल कर दिया गया, अब लोग भी वहां से जा सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी पूछ दिया कि उन्होंने बिहार के लिए किया क्या है। केंद्र की वजह से तो 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बिहार को मिली। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कर दिया कि जिनको दिन में सपने देखने हैं वो देखें, प्रधानमंत्री का सपना भी देखें, उससे कुछ नहीं होने वाला। क्या कुछ कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद, पहले आप सुने। वो कहां से कहां पहुंची है, तो और मोदी जी ने जो 8 साल पहले कहा था कि इसमें राजनीति कभी नहीं होगी, और ये कार्यक्रम कितना लोकप्रिय हो गया, हम लोग हर दिन सुनकर एक प्रकार से प्रेरित होते हैं। ऐसा है, किसी को किसी से भी मिलने पर कहाँ कोई पाबंदी है, लेकिन होगा क्या? वो किसी से मिले, इस देश के लोग एक व्यक्ति से मिले हुए हैं जिन्होंने आज मन की बात की है, नरेंद्र मोदी। उनका काम देखा है, उनकी प्रेरणा देखी है, इसलिए देश तो मोदी जी के साथ मिले हैं, बाकी कहीं भी जाए मिल सकते हैं। ललन बाबू होमवर्क नहीं करते। पूर्णिया मिलिट्री एयरपोर्ट है, वहाँ पर सिविलियन सुविधा शुरू करने का फैसला हो चुका है। दरभंगा में मिलिट्री एयरपोर्ट था, आज दरभंगा में 9 लाख लोग उसका उपयोग करते हैं कि नहीं। दरभंगा से पूरे देश में जहाज जाता है कि नहीं, वही जल्दी पूर्णिया से शुरू हो जाएगा। इसमें कौन सी बात थी? और मैं एक ही बात कहूँगा, केंद्र सरकार के प्रयास से बिहार का जितना विकास हुआ है ये तो हमने देखा है। ज़रा एक बार आज पूछूंगा कि नीतीश बाबू, आपके इस लंबे शासन में बिहार में कितने उद्योग लगे, एक बार ये भी तो हिसाब दे दीजिए। भारत सरकार के प्रयास से 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई, IIT आ गया, बाकी नाइलेट सेंटर आया, अच्छी बात है। आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आया गया में, अच्छी बात है। जरा ये तो बताइए कि आपके प्रयास से क्या हुआ, ये तो हम जानना चाहते हैं ना। प्रधानमंत्री के लिए प्रयास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कब बन जाने के लिए। अच्छा है, जाए, मैंने हमेशा कहा है, आज फिर कहूँगा, दिन में ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है। एक बात मुझे हमेशा इस बात की पीड़ा रही है, चूँकि मैंने इस विषय को उठाया है, केंद्र सरकार की ओर से इतना प्रयास हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए करते थे। आपको मालूम है कि मैंने मोबाइल क्षेत्र में भारत में एक बड़ी क्रांति की, मंत्री रहते हुए 2 फैक्ट्रीज 14 से 270 फैक्ट्री हो गई। बिहार सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, और बिहार सरकार हो या कोई सरकार हो, अपेक्षित सहयोग तभी मिलेगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी सहयोगी मूड में आएंगे। तो आपने साफ सुना किस तरीके से रविशंकर प्रसाद जो हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हैं, वहीं ललन सिंह को भी वो कहते जा रहे हैं कि ज़रा होमवर्क ठीक से कर लें, उनको पता नहीं है कि बिहार में केंद्र सरकार ने क्या कुछ दिया। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।